अस्सलाम वालेकुम। यूफन इंटरनेट सेटिंग आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा यूफन इंटरनेट सेटिंग कोड, यूफन इंटरनेट नॉट वर्किंग। अगर आपके पास भी प्रॉब्लम आ रही है कि यूफन सिम काम नहीं कर रहा इंटरनेट आपके मोबाइल पे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने पैकेज भी ले गए हैं और फिर भी काम नहीं कर रहा, तो एक कोड बताऊंगा जिसके जरिए आप आसानी से अपने इंटरनेट सेटिंग कर सकते हैं। मैं हूं हमारा फ्रीदी और आप देख रहे हैं फ्रीदी यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करे, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देख लेते हैं। यहाँ पर आपने अपने फोन डायलर में आना है और फोन डायलर में आने के बाद आपने डायल करना *336#, अपने यूफोन सिम से आपने *336# डायल करना है। डायल करने के बाद यहाँ पर इस तरह मेन्यू ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने 8 के साथ रिप्लाई करना है, यानी प्रोसीजर पर आपने क्लिक करके 8 के साथ रिप्लाई करना है। हमारे 8 ऑप्शन के साथ काम है, तो यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 के साथ रिप्लाई करना है, यानी GPRS सेटिंग फॉर ऑल हैंडसेट, हमने यहाँ पर 2 लिखकर सेंड कर देना है। 2 लिखकर सेंड करने के बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल सेलेक्ट करना है, कौन सा मोबाइल, जावा मोबाइल है, एंड्रॉयड है या एप्पल आईफोन है। तो हमारा एंड्रॉयड है, हमने 2 के साथ क्लिक करना है। आपका जो भी है उसी के मुताबिक आपको सेटिंग आएगी, वो सेटिंग आपने करनी आगे, तो हमने सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद आपने बैक आना है। अभी एक SMS आएगा और आपने उस SMS यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आ चुका है। SMS में पूरी डिटेल है कि सेलेक्ट डेटा इनेबल ऑन सेलेक्ट न्यू EPN। अब ये किस तरह से करना है, नेम में यूफोन GPRS लिखना है, EPN में जो है यूफोन .p इंटरनेट लिखना है और EPN टाइप जो लास्ट में लिखा है ना इंटरनेट और डिफॉल्ट रखना है और प्रेस सेव पर क्लिक करना है। तो हमने किस तरह से करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आपका मोबाइल डेटा जो है ना इस पर आपने क्लिक करना है। मोबाइल डेटा होता है एक, इसमें आपने सिम पे आना है, कौन सी सिम पे, और यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम का एक ऑप्शन होगा या EPN टाइप होगा या इस तरह एक्सेस पॉइंट नेम होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूफोन GPRS जो लेकर प्रीपेड, इस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ जो है ना इससे एक एडिट वाला ऑप्शन होगा या रिसेट वाला ऑप्शन होगा, तो आपने उसको या डिलीट करना है या फिर इसी को आपने रिसेट करना है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने यूफोन GPRS लिखना है, मेरे वाली सेटिंग नहीं करना, आपको जो सेटिंग आई है वही लिखना है। EPN टाइप में जो है ना यूफोन .p इंटरनेट लिखना है, ये प्रॉक्सी पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, सर्वर MCC और ये तमाम चीज़ें आपने कुछ भी नहीं चढ़ना है। MCC में 410 लिखना है अगर है पहले से तो भी ठीक है, MCN में 03 लिखना है। अदरेशन चार्ज जो है नो सेट है। यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है वो EPN टाइप है जो इन्होंने सेटिंग में भी लिखा है, ये डिफॉल्ट या फिर डिफॉल्ट के साथ कॉमा लगा के SUPL भी कर सकते हैं और सेव कर देना है। इसके बाद कोई और चीज़ आपने नहीं चढ़नी, ऊपर जो है ना टेक वाला ऑप्शन है ना, टेक ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है, ये सेव हो जाएगा। इसके बाद आपने अपने इंटरनेट को एक बार रिसेट करना है, मतलब मोबाइल को फुल जो है ना आपने ऑन ऑफ कर देना है और इसके बाद आप इंटरनेट देंगे तो आपका इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा।